केदारनाथ के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाबा केदार का किया रुद्राभिषेक, मंदिर की परिक्रमा कर मांगा आशीर्वाद। केदारनाथ में पीएम ने 5 पुनर्निर्माण परियोजनाओं का किया शिलान्यास, गढ़वाली में जनता को किया संबोधित, कहा पहाड़ की जवान, पहाड़ का पानी, अब पहाड़ के आएगा काम। रामनगर में शिक्षा विभाग के दावों की खुली पोल, साल में एक शिक्षक के सहारे चल रहा है खताड़ी का प्राथमिक विद्यालय, कैसे पढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे नौनिहाल। आज सुबह 11:40 बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट, मुखबा के लिए रवाना हुई डोली, कल उखीमठ में होगा मां गंगा का भव्य स्वागत। और कल बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट, कल सुबह 8 केदारनाथ धाम में यमुनोत्री धाम के कपाट 1:27 पर होंगे बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड लाइव में, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे, जो आज एक बार फिर बाबा केदार के दर पर पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन कर उनका रुद्राभिषेक उन्होंने किया। पूजा अर्चना के बाद पीएम ने मंदिर की परिक्रमा भी की। पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की, रुद्राभिषेक किया और पीएम ने करीब 20 तक का वक्त यहां पर बिताया पूजा अर्चना में। केदारनाथ में पीएम ने 5 योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बताया कि घाटों को सुधार किया जाएगा, सड़क का चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, भव्य और दिव्य वातावरण का जो है यहां पर निर्माण होगा, पुजारियों के लिए 3-in-1 घर बनेगा। और पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब मैं यहां पर रहता था, लेकिन शायद प्रभु की इच्छा नहीं थी कि मैं हमेशा यहीं पर रहूं। आज एक बार फिर बाबा ने मुझे अपनी शरण में बुलाया है। पीएम ने कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के पैदल ट्रैक को चौड़ा करने का काम भी सरकार करेगी। पीएम ने बताया कि योजनाओं के तहत मंदाकिनी और सरस्वती नदी के तट पर घाट भी बनाए जाएंगे। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे, उत्तराखंड वासियों के लिए क्या कुछ खास आज रहा, क्या कुछ खास उत्तराखंड की जनता के लिए देकर गए पीएम? जैसे कि पीएम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है केदारधाम पहुंचे, 10 करीब वो पहुंचे, उसके बाद उस मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जो 5 शिलान्यास उन्होंने किए हैं, 700 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया, उन्होंने कहा यहाँ पर कि उन्हें भोले बाबा ने बुलाया है, जब भी भोले बाबा उन्हें बुलाते हैं तो वो यहाँ पर जरूर आते हैं। यहाँ उनका दूसरा दौरा था, इससे पहले वो 3 मई को कपाट खोलने के मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे और फिर दूसरी बार कपाट बंद होने से एक दिन पहले वे केदारपुरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि केदार घाटी और केदारनाथ से उनका गहरा रिश्ता रहा है, 1990 के दौरान वे यहाँ पर पहुंचे थे। गरुड़ चक्की नामक स्थान है जो केदारनाथ धाम से पहले पड़ता है 1.5 किलोमीटर पहले, तो वहां पर उन्होंने 1.5 माह साधना की थी। जो इस जो क्षण थे वो क्षण के बाद वे यहाँ से चले गए थे और उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री 2002 में बने थे। कह सकते हैं कि इस दौरान जो उनके 7 लोग थे वरिष्ठ पुरोहित, उन्होंने यह पल उनके साथ साझा किए, तो उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो लोग उस दौरान मेरे साथ थे वो आज यहाँ पर मिले हैं, तो ऐसे में उनका माहौल काफी अच्छा लगा। आज उनको यहाँ पर आकर अपने लोग उन्हें मिल गए हैं, खासतौर पर उन्हें पर्यावरण को लेकर भी बात रखी कि अगर प्रकृति को बचाना है तो पर्यावरण को भी बचाना बहुत जरूरी है। और जो योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने यहाँ पर किया है उनसे विकास की जो आधारशिला यहाँ पर की गई है उससे केदारधाम का विकास होगा। जी जी रोहित, तो प्रधानमंत्री तो बेहद उत्साहित नजर आए, लोग कितने उत्साहित नजर आए जो केदारधाम में पहुंचे हुए थे, उनसे आपने बात करने की कोशिश की होगी? जैसे कि श्रद्धालु और कह सकते हैं तीर्थ पुरोहित भी सिर्फ एक ही मांग थी कि सड़क मार्ग से केदारधाम जुड़ पाए, ऐसे में पीएम मोदी का दौरा रहा खाली केदारनाथ के विकास को लेकर रहा, जबकि जो श्रद्धालु और हजारों की संख्या में जनता यहां पर पहुंची थी वो चाहती थी कि सड़क की जो मांग है वह अगर घोषणा पीएम मोदी करके जाती तो सबसे बड़ी सौगात जो है यहाँ की जनता को मिलती, केदार घाटी को जनता को मिलती, देश विदेश से जो यात्री यहाँ पहुंचते हैं उनको सबसे बड़ी कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है तब जाके वो केदारधाम पहुंचते, तो ऐसे में तीर्थ पुरोहित जो स्थानीय जनता की मांग थी कि सड़क को पूरी किए, तो ऐसे में जो मांग है उस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई, ना ही इस बारे में प्रधानमंत्री ने बात की आप स्थानीय लोगों से, तो ऐसे में जो मायूसी कह सकते हैं कि लोगों में हाथ लगी, लोगों की हाथ लगी मायूसी, अगर यह घोषणा की जाती है सड़क मार्ग की तो कहीं ना कहीं जनता और जी, जी जी रोहित आप जो है लाइन पर बने रहे, दर्शकों को सुनवाते प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर क्या कुछ कहा है।
सीमा में तीर्थ क्षेत्र कैसा होना चाहिए, यहां के पुरोहितों के लिए व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पंडितों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान कैसे रखा जाए, उन्होंने जो मुसीबत झेली है उससे भी अच्छी शानदार जिंदगी उनको मिले इसके लिए कैसा प्रबंध किया जाए, इसको मध्य बिंदु रखते हुए इसके विकास की, पुनर्निर्माण की योजना खाका तैयार किया। लगातार मैं स्वयं मीटिंग करता रहा, हर चीज को देखता रहा, डिजाइन क्या होगी, आर्किटेक्चर व्यू पॉइंट क्या होगा, हमारे जो धार्मिक आर्किटेक्चर होता है, मंदिरों का आर्किटेक्चर होता है, उस सारे विधि विधानों के नियमों का पालन करते हुए पुनर्निर्माण कैसा होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी एक विकास का चित्र खाका तैयार किया गया। अब पुरोहितों को जो मकान मिलेंगे एक प्रकार से 3-in-1 होंगे, नीचे जो यात्री आएंगे उनकी सेवा के लिए जो प्रबंध करना चाहिए उसके लिए सारा प्रबंध रहेगा। केदारनाथ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी अब पहाड़ के काम आएगा। 2022 तक उत्तराखंड की जनता के सहयोग से हम अपने संकल्प को पूरा कर लेंगे। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के चारों धाम भव्य और दिव्य बनाने का जो हमने संकल्प लिया है हम उसे पूरा करके दिखाएंगे और ऐसा हमें भरोसा है 2022 में। पीएम मोदी ने उत्तराखंड राज्य के खुले में शौच के अभिशाप की मुक्ति के लिए बढ़ते कदम का स्वागत करते हुए सूबे की त्रिवेंद्र सरकार को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब हम उस कहावत को खत्म कर दें जो कहती है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम नहीं आती। पीएम मोदी ने कहा कि अब पानी और जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आएंगे। उसी पानी पर टूरिज्म के नए नए क्षेत्र विकसित होने चाहिए और दुनिया भर की जवानी को निमंत्रण देने का सामर्थ्य उस पानी में हो और पानी जो कभी पहाड़ के काम नहीं आता था वो पानी पहाड़ के लिए काम आ जाए, जो जवानी पहाड़ से उतर करके नीचे मैदानी कारोबार में चली जाती है रोजी रोटी की तलाश में, हम पहाड़ों में वो ताकत पैदा करें ताकि हमारी जवानी को कभी पहाड़ छोड़ने की नौबत ना आए, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ जाए। ये काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम भारत सरकार उठा रही है। उत्तराखंड की सरकार भी इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। रोहित, प्रधानमंत्री पहुंचे और एक बार फिर उसी का जिक्र किया जो तमाम नेता करते ही हैं कि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी हम पहाड़ में रुकेंगे। कांग्रेस आई, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो पहुंचता है वो भी यही कहता है। पीएम मोदी से पहले जितनी बार भी पहुंचे हर बार ये जिक्र जरूर करते हैं लेकिन करेंगे कैसे, कोई रोड मैप नजर नहीं आया। रोड मैप रखते हुए कोई भी नेता नजर नहीं आता है लेकिन कहते हैं कि रोकेंगे लेकिन रोकेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल। जी राजीव, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा पलायन पहाड़ी जिले से हुआ है और कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ से अब तक जब 17 वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है हर बार जब उत्तराखंड राज्य का सामना की जा रही थी तब से लेकर पहाड़ की जवानी या पहाड़ के पानी यहाँ के काम आएगा, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है कि पहाड़ के जो उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण का मुद्दा है वह भी आज तक लटका पड़ा हुआ है और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रोजगार की समस्या है आज भी बरकरार है। सबसे बड़ी बात यह कि पहाड़ का जवान या पहाड़ के पानी पहाड़ के काम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि पहाड़ों में जो नदी है पानी की हम बात करेंगे तो पानी में डैम तो बन चुके हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई चुकी है, पर लेकिन यह पानी यहाँ के स्थानीय लोगों के काम कभी भी नहीं आया है। यह डैम जो है इसकी जो विद्युत परियोजनाएं हैं बाहर के काम आई, यहाँ की जो विद्युत है वह भी बाहर के काम आया। जो रोजगार की हम बात करेंगे तो रोजगार में भी बाहर के लोगों को भी लगाया गया, जबकि यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं दिल्ली मुंबई ऐसे शहरों में जाकर वहां पर होटलों में काम कर रहे हैं, पर लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पहाड़ में रहकर या सब्जी उत्पादन कर सके, कुटीर उद्योग कर सके या उसके लिए अन्य रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए गए हो,
ऐसा कुछ भी आज तक नहीं हो पाया। आज पीएम मोदी ने यह कहा है कि पहाड़ का जवानी, पहाड़ के पानी पहाड़ काम आएगा, कह सकते हैं कि 2022 तक के उनने यह बात कही है। तो इस बार उनका जो दौरा है लोकसभा चुनाव को जोड़ता हुए देखा जा रहा है, क्योंकि आगामी दिनों में नगर निकाय चुनाव भी है और 2019 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो दौरा है लोकसभा चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। जी रोहित, आप हमारे साथ बने रहे। वाकई बड़ा सवाल है कि तमाम नेता आकर कहते तो हैं कि रोकेंगे, लेकिन रोकेंगे कैसे ये भी तो बताएं। वहीं पीएम मोदी ने फौजियों की वीर धरती पर बाबा केदार को साक्षी मानते हुए कहा कि अब उत्तराखंड का ऐसा विकास किया जाएगा जिसकी मिसाल दी जा सके, वीर भूमि का पर्यावरण कायम रहे लेकिन इसकी सहूलियतों में इजाफा हो सके, ऐसी योजनाओं पर काम किया जाएगा ताकि आयुर्वेद, पर्यटन, तीर्थाटन और पर्यावरण से जो उसके प्रेमी है सहज ही इस दिव्य हिमालय में आए और उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दे सके। बहुत सामर्थ्य है, यहां डिसिप्लिन यहां की रगों में है। कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जिस परिवार में कोई फौजी न हुआ हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 250-300 निवृत्त फौजी न हो, और जहां फौजी इतनी संख्या में हो वहां तो डिसिप्लिन काबिले दाद होती है जी। यात्रियों के लिए ये डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा संबल होती है। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। रोहित, सैनिकों का भी जिक्र किया और सैनिकों का इस्तेमाल अक्सर क्यों होता है ये सभी जानते हैं, और उनका राजनीतिक फायदा क्या कुछ है ये भी हम सभी जानते हैं। ये आज जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि जो फौज जवान है उनका जो वोट बैंक काफी बड़ा रहता है। पहाड़ी क्षेत्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पर काफी संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में फौज के जवान यहाँ पहाड़ में मौजूद है। यहाँ के जो लोग हैं भर्ती के लिए जाते हैं, वे भर्ती होकर जब आते हैं तो उनकी जो मर्यादा रहती है, जो सरकार है वह उन पर वोट बैंक की राजनीति करती है। उनके परिवार को जोड़कर देखें तो उनके अन्य जगहों पर देखें तो सरकार कहती है कि हमने भर्ती का आयोजन कराया, ऐसे भर्ती जगह कराया गया है जहां पर हमारी सेना काम कर रही है। तो ऐसे में वोट बैंक की जो राजनीति है हमेशा जवानों को लेकर भी रही है। यहाँ पर देखने को इससे पहले की सरकार कहीं नहीं है जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति जवानों को लेकर की है। इस बार के जो लोग जो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी काफी देखा गया है कि जो जवान है उनको भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर काफी फायदा उठाया गया है। रोहित, वैसे तो पूरा ये कार्यक्रम उनका जो है सरकारी कार्यक्रम था, और कहीं ना कहीं वहाँ केदारनाथ आना भी अच्छा संदेश देगा कि बड़ी से बड़े पैमाने पर पर्यटन वहां पर पहुंचे, लेकिन इसी के साथ ही प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं 2019 की तरफ भी देख रहे थे और इसी के मद्देनजर ये तमाम बयान दिए गए। जी राजीव, जैसे की सबसे बड़ी बात यह है कि जो केदारनाथ की हम बात करेंगे, इस बार कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को यहाँ पर पहुंचे उस दिन भी हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहले से ही यहाँ मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो यात्री यहाँ पहुंचे वो हेली सेवा से पहुंचे। अगर यह यात्री पैदल रास्ते से पहुंचे या सड़क मार्ग से पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उन्हें रोजगार मिलता, जो व्यवसाय है लोगों का जो आपदा के बाद से तहस नहस हो गए थे वह पटरी पर लौट पाता, पर लेकिन ऐसा कोई व्यवसाय जो है कह सकते हैं तब अभी भी पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हेली कंपनियां जो है बढ़ा दी गई है, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पीएम मोदी पर्यावरण की बात करते हैं पर लेकिन जो पर्यावरण है वो इन हेली कंपनियों से काफी प्रभावित हो रहा है, काफी दिक्कतें जो है लोग कह सकते हैं हो रही है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। और सबसे बड़ी यह बात है कि जो क्षेत्र है गंगा घाटी उस वहां पर काफी दिक्कतें जो है लोगों की बढ़ रही है। अगर यह रोजगार की बात की जाए तो कह सकते हैं कि रोजगार कुछ भी नहीं मिल पाया, घोड़े खच्चर डंडे खंडे जो मजदूर हैं उनका रोजगार आज भी वैसा के वैसे ही है, जबकि जो हेली कंपनियां वह करोड़ों का मुनाफा कमा रही है और जो स्थानीय लोग हैं वह बेरोजगारी का दम झेल रहे हैं। जी वाकई रोहित, आप हमारे साथ बने रहे। तो हेली कंपनियों के वारे नारे हैं और घोड़े खच्चर वाले जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं उनकी मुश्किलें लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी ने वहां पहुंचकर ये भी कहा कि उत्तराखंड की धरती पर मौजूद पानी से बिजली बनाया जाएगी, इसे हर्बल स्टेट बनाएंगे, तीर्थों की इस धरती को पर्यटन का हब भी बनाया जाएगा और इस काम में इस वीर भूमि के फौजियों के अनुभव को लिया जाएगा। दुनिया के लिए अगर किसी को यहां की वन संपदा में रुचि है तो जीवन पर खोज करने के लिए विराट क्षेत्र खुला पड़ा है। किसी को एडवेंचर में रुचि है तो पूरा हिमालय दुनिया के हर एडवेंचरिस्ट को निमंत्रण देता है। किसी को यहां के जल स्रोत में रुचि है, दुनिया के हर जल स्रोत में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को निमंत्रण देता है। जिसको यहां की जड़ी बूटी में रुचि है,
हर्बल मेडिसिन में रुचि है, हिमाचल की, हिमालय की हर गोद में ऐसी प्रकृति पली हुई है कि वह एक नई चेतना का अनुभव करा सकती है। और हर्बल मेडिसिन के युग में जो यहां के गांव के लोग जानते हैं, मैंने देखा है, अगर बिच्छू वनस्पति डंख मार दे, गलत गलती से हट जाए, तो गांव का आदमी आकर तुरंत बताता है, अरे रो मत, ये दूसरे वाली जड़ी बूटी है, जरा लगा दो ठीक हो जाएगा, पत्ती लगा देता है ठीक हो जाता है। और दोनों साथ साथ होती है। क्या परमात्मा ने व्यवस्था रखी है, और इसलिए इसके भीतर हम जितने जाएं, और इसीलिए देहरादून के अंदर ये हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, भारत सरकार ने उसके हिमालय संपदा के लिए रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है, जो आगे चलने वाली वो बहुत काम होने वाला है। हमारे हिमालय गोद में ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी संभावना वाली जगह मैं देखता हूं। सहयोगी हमारे साथ बने रोहित, अलग अलग मसलों को छुआ है, बिजली बनाई जाएगी, पीएम मोदी ने कहा आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाएगा, इसी के साथ ही पर्यटन हब बनाया जाएगा, तीनों चीजें तो हैं, प्राकृतिक तौर पर समृद्ध है उत्तराखंड, इसी के साथ ही बिजली के लिए तरह तरह के डैम्स बनाए गए हैं, उनसे लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही है उससे प्रशासन जो है अवगत भी है, लेकिन उनके लिए क्या हो रहा है ये भी जो है सभी लोग जानते हैं, और पर्यटन स्थलों की क्या हालत है ये भी सभी जानते हैं कि कितने डेवलप किए गए हैं, उनके डेवलपमेंट के नाम पर कितना पैसा लिया गया लेकिन कितना लगा है ये भी सब जानते हैं। जी राजीव, जैसे सबसे बड़ी बात है कि बिजली की हम बात करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र में जो स्थिति है, बिजली काफी कम संख्या, काफी घंटे ही यहीं पर बिजली रहती है, कह सकते हैं कि छोटी सी आपदा आती है तो बिजली की स्थिति काफी रहनी बन जाती है, घंटों तो यहाँ बिजली नहीं पहुंच पाती। ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो वहां भी कहीं गाँव आज ऐसे है जहाँ लाइट नहीं पहुंच पाए, बिजली नहीं देख पाए, ऐसे कई क्षेत्र भी हैं जहां पर दूर संचार की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रदेश सरकार ने अपने विधानसभा चुनाव में दावे किए थे कि ग्रामीण क्षेत्र में लाइट पहुंचा दी जाएगी या बिजली पहुंचा दी जाएगी, तो वो समस्याएं जो है आज तक खत्म नहीं हो पाई है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती की, ऑर्गेनिक हम बात कर रहे हैं, आज पीएम मोदी साहब ने कहा है 2022 तक ऑर्गेनिक इस प्रदेश को बना दिया जाएगा, स्टेट को बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नया नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, लेकिन खेती की ओर कोई भी किसान आज आगे नहीं बढ़ रहा है। खेती के लेकर सरकार कहीं दावे कर रही है कि लाख दावे यहाँ पर किए जाते हैं, हर बार घोषणाओं में कहा जाता है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसे कई मामले हैं किसानों को मुआवजा आकर लटका पड़ा हुआ है। ऐसे कई किसान भी हैं जो हताश है, मायूस है, उनकी खेती तो वो लोग करते हैं लेकिन उनका फायदा उन लोगों को नहीं पहुंच पाता है। जी 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 रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो वाकई सवाल कई गंभीर हैं कि इतने सारे डैम बने, इतनी बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन राज्य की जनता को क्या मिला? इतने बड़े पैमाने पर पर्यटन का हब बनाया जाता है, इतने जगहों को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन राज्य की जनता को क्या मिल रहा है? महज पलायन। इसके अलावा उन्होंने 2013 का जिक्र भी किया जब आपदा आई थी, और आपदा में जितने भी लोग मारे गए उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। भारत की आजादी के 75 साल हर हिंदुस्तानी का संकल्प, हर हिंदुस्तानी के दिल में, दुनिया में हिंदुस्तान को सिर मोर पहुंचाने की इरादा, बाबा के आशीर्वाद से हर हिंदुस्तानी में वो चेतना जगेगी, हर हिंदुस्तानी उस संकल्प को पार करने के लिए जी जान से जुटेगा। इस श्रद्धा के साथ मैं सबसे पहले इस पवित्र धरती पर प्राकृतिक आपदा के जो शिकार हुए, देश के हर राज्य में से किसी ने अपना देह यहीं पर छोड़ दिया और बाबा की धरती में वो रम गया, उन सभी हुतात्माओं को आज मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2013 में जब आपदा आई थी तो गुजरात सरकार ने कहा था कि हम सहायता देने के लिए तैयार हैं, आप पुनर्निर्माण काम करवाएं। उस वक्त की सरकार ने यानी कि कांग्रेस की सरकार ने हामी भरी, लेकिन जब दिल्ली से दबाव आया तो उसके बाद से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। और उस समय मेरी स्वाभाविक संवेदनशीलता थी, मैं वैसे तो एक राज्य का मुख्यमंत्री था, किसी दूसरे राज्य में एंक्रोचमेंट करने का न मुझे हक है न मैं ऐसा कभी सोच भी सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था, अच्छा किया बुरा किया वो तो इतिहास तय करेगा, लेकिन उन पीड़ितों के लिए पहुंच जाना मेरे मन को मैं रोक नहीं पाया था और मैं चला आया था। तो पीएम नरेंद्र मोदी के केदार दौरे के दौरान क्या कुछ रहा खास, इस रिपोर्ट में देखें। शंभो शिव शंभो स्वयंभो, ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो, ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो। अद्भुत प्राकृतिक नजारों के बीच बसा बाबा का धाम, जो हर लेते हैं हर दुख, जो दिलाते हैं मोक्ष, जो करते हैं हर मुराद पूरी। तभी तो उनकी भक्ति में रमे उनके परम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर शीश नवाने बाबा केदार के दर पर पहुंचे, बाबा केदार के दर्शन किए, रुद्राभिषेक किया। मंदिर की परिक्रमा भी की और मांगा बाबा से आशीर्वाद। केदारनाथ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने न केवल बाबा केदार के दर्शन किए बल्कि 5 पुनर्निर्माण योजनाओं की नींव भी रखी। शंकराचार्य समाधि स्थल संग्रहालय का निर्माण से लेकर मंदाकिनी घाट के पुनर्निर्माण समेत 5 पुनर्निर्माण योजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। सरकार बनने के बाद तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे नरेंद्र मोदी ने पहली बार जनसभा को संबोधित किया। संबोधन गढ़वाली बोली में शुरू हुआ तो उत्तराखंड से उनका अनूठा लगाव भी दिखा। देवभूमि उत्तराखंड का सभी भाई बहनों ते मेरु सादर नमस्कार। बाबा केदार को आशीर्वाद सबू पर बनियो रहो इन्हीं कामना छे। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने केदार घाटी के विकास के लिए आगामी योजनाएं भी बताई। समय सीमा में तीर्थ क्षेत्र कैसा होना चाहिए, यहां के पुरोहितों के लिए व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पंडितों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान कैसे रखा जाए, उन्होंने जो मुसीबत झेली है उससे भी अच्छी शानदार जिंदगी उनको मिले इसके लिए कैसा प्रबंध किया जाए, इसको मध्य बिंदु रखते हुए इसके विकास की पुनर्निर्माण की योजना खाका तैयार किया। लगातार मैं स्वयं मीटिंग करता रहा, हर चीज को देखता रहा, डिजाइन क्या होगी, आर्किटेक्चर व्यू पॉइंट क्या होगा, हमारे जो धार्मिक आर्किटेक्चर होता है, मंदिरों का आर्किटेक्चर होता है, उस सारे विधि विधानों के नियमों का पालन करते हुए पुनर्निर्माण कैसा होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी एक विकास का चित्र खाका तैयार किया गया। अब पुरोहितों को जो मकान मिलेंगे एक प्रकार से 3-in-1 होंगे। इससे पहले 3 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पहुंच बाबा से आशीर्वाद दिया था
अरब कपाट बंद होने से ठीक पहले पहुंच अपनी आस्था अपनी श्रद्धा को उन्होंने बखूबी दर्शाया। यही दिखाता है कि प्रधानमंत्री का देवभूमि से कितना लगाव है। खिली चटक धूप और उस सुनहरी धूप में चमकते हिमशिखर, इसे दिलकश नजारा और कहा, और इस नजारे ने शुक्रवार को सबका दिल मोह लिया। पूजा चौधरी, उत्तराखंड डेस्क, जैन टीवी। पीएम मोदी 5 दिन बाद यानी कि 26 अक्टूबर को एक बार फिर उत्तराखंड पहुंचेंगे और इस बार मसूरी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। मसूरी की एलबीएस एकेडमी में प्रस्तावित कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे, जहां आईएएस प्रशिक्षुओं को वो संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 26 अक्टूबर को मसूरी में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे और पीएम मोदी के मसूरी दौरे को लेकर शासन और प्रशासन के अधिकारी अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। तो पीएम मोदी एक बार फिर से पहुंच रहे उत्तराखंड और इस बार मसूरी पहुंचेंगे और मसूरी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। एलबीएस एकेडमी में कार्यक्रम है। उपेंद्र लेखवार हमारे सहयोगी मसूरी से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, 26 को पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है मसूरी में पीएम के? जी राजीव, मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को यहां पर प्रस्तावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, लेकिन इस पर अभी भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे। हालांकि जिला प्रशासन की जो है पूरी तैयारी है और जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करूं तो हो सकता है कि उसको लेकर भी जो है ज्यादा इसको लीकआउट नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फेज 4 का एक बैच चल रहा, फेज 4 और फेज 5 का जो सीनियर अधिकारी हैं एलबीएस अकादमी में, पहले भी यह दौरा प्रस्तावित था, ये बार बार जो है पोस्टपोन भी होता रहा। हालांकि आज नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में थे तो इससे भी ये लग रहा है कि अभी हालांकि अभी उनका दौरा और फिर जो है 26 को आए तो इस पर भी जो थोड़ा संशय के बादल है जी। लेकिन जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है। जी राजू, जैसे कि आपने बताया कि आधिकारिक ऐलान होना भी बाकी है, आधिकारिक ऐलान नहीं है, जिला प्रशासन का क्या कुछ कहना है? एलबीएस अकेडमी के अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम उनके रह सकते हैं? क्या कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करें क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक है? निश्चित तौर पर, क्योंकि एलबीएस अकादमी का जो प्रशासन है तो क्योंकि ये प्रशासनिक दौरा है तो वो इसको ज्यादा इस पर बोलते नहीं है, लेकिन जो बीजेपी की जो पार्टी कार्यकर्ता है जो यहाँ पे एमएलए हैं तो कोशिश, उनसे भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा जब उसी इतनी बड़ी सक्सेस प्रधानमंत्री जी अगर मसूरी आते तो निश्चित तौर पर जो है जो सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र रावत हो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं और उनके साथ जो है जो विधायक है मसूरी विनय जोशी वो भी रहेंगे, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि जी 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 जी। उपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 26 तारीख को पहुंच रहे हैं पीएम। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। केदारनाथ के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाबा केदार का क्या रुद्राभिषेक, मंदिर की परिक्रमा कर मांगा आशीर्वाद। केदारनाथ में पीएम ने 5 पुनर्निर्माण परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास, गढ़वाली में जनता को क्या संबोधित, कहा पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, अब पहाड़ के आएगा काम। रामनगर में शिक्षा विभाग के दावों की खुली पोल, 7 से 1 ही शिक्षक के सहारे चल रहा है खताड़ी का प्राथमिक विद्यालय, सवाल कैसे पढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे नौनिहाल। आज सुबह 11:40 पर बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट, मुखबा के लिए रवाना हुई डोली, कल उखीमठ में होगा मां गंगा का भव्य स्वागत। और कल बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट, कल सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट होंगे बंद तो यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 1:27 पर होंगे बंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पिथौरागढ़ दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री और नैनीताल के सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि दीपावली जो है मनाने के बाद पंचेश्वर डैम के प्रभावित लोगों के गांवों का वो भ्रमण करेंगे और भगत सिंह कोश्यारी ने ये भी कहा है कि पंचेश्वर बांध एक बहुत बड़ी योजना है, केंद्र सरकार की मंजूरी से मिली है, जो 40,000 करोड़ की ये परियोजना है।
और इस योजना के बनने से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल देश में भी विकास की एक नई किरण आएगी। साथ ही बहुत से जो गाँव हैं इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हैं और सरकार ने प्रभावितों के लिए बहुत अच्छा पैकेज दिया है। देखे पंचेश्वर एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार ने मंजूर की है, 40,000 करोड़ की योजना है, लगभग 36,000 करोड़ से ज्यादा की, और इसमें 10,000 करोड़ रुपया केवल रिहैबिलिटेशन के लिए है। और इस योजना के बनने से न केवल हिंदुस्तान बल्कि नेपाल के अंदर भी एक विकास की नई किरण आएगी, और चूंकि बहुत से गांव इससे प्रभावित होने वाले हैं, और इसलिए मैंने इस उचित सोचा कि अभी मेरे पास थोड़ा समय है, तो दिवाली के तुरंत बाद मेरा प्रयास है कि मैं पंचेश्वर के जो प्रभावित होने वाले गांव हूँ, हर एक गाँव में नहीं जाऊँगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 3/4 गाँव में मैं होके आऊँ, वहाँ के लोगों से संवाद करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उसका फायदा बहुत होने वाला है, और जो हमारे प्रभावित होने वाले लोग हैं उनके लिए भी सरकार ने जो पैकेज दिया है बहुत अच्छा पैकेज दिया है, इसलिए जन जन में जाकर के और उन तक पहुंच करके मैं उनके बीच अपनी बात रखूंगा। खबर जसपुर से, जहां दो अलग अलग सड़क हादसों में एक मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा जसपुर के पास कासिमपुर में हुआ, जब ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बाइक सवार महिला और उसके 4 साल के मासूम की मौत हो गई। मृतका का नाम राबिया खातून है, जो कि जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह के रहने वाली है। राबिया अपने मायके ठाकुर द्वारा से अपने पिता उमर और अपने 4 साल के मासूम अल्फैज के साथ ठाकुर द्वारा के पास सुरजन नगर से बच्चों की दवाई लेकर लौट रही थी। वहीं दूसरा हादसा भी जसपुर के ही पास हुआ, जब जसपुर से काशीपुर की तरफ आते वक्त भवानीपुर गांव के पास बुलेरो और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था, इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार 4 नाबालिगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग ने निजी चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल एक नाबालिग का नाम प्रिंस पुत्र बिट्टू है, जो कि एक निजी चिकित्सालय में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। 2 डेड बॉडी यहां पर आई हैं और उनका नाम पता वगैरह अभी शनाख्त नहीं हो पाई है, और एक बाबा हैं बनारस के, वो उनको लाए थे, और सुना है कि 2 केस और इंजर्ड हैं जो कि प्राइवेट किसी के यहाँ गए हैं, हमारे यहाँ ये 2 डेड बॉडी आई। एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल का और कार का, बलेरो, ये मोटरसाइकिल जसपुर से काशीपुर और बलेरो जो है काशीपुर से जसपुर। जिला मुख्यालय रुद्रपुर का नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण की वजह से गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। नैनीताल मार्ग के हाईवे का ये हाल तब है जब इसी मार्ग पर जिला मुख्यालय और पुलिस समेत प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर हैं और सड़क पूरी तरह जर्जर है। अवस्था आपके सामने है, आपको यहाँ बताते चले कि नैनीताल के इस हाईवे पर सिटकुल भी है, जहाँ से रोज श्रमिक और कर्मचारियों को इन गड्ढों की वजह से उनकी जो है जान आफत में पड़ सकती है, लेकिन सड़क का चौड़ीकरण करने वाली जो कार्यदायी कंपनी है, जो संस्था है, इन सभी से अनजान बनी बैठी हुई है। सड़क की जर्जर हालत से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में भारी रोष है। इधर संयुक्त मजिस्ट्रेट रोहित मीणा का कहना है कि जल्द ही सड़क की मरम्मत का काम पूरा करवा दिया जाएगा। 10 अक्टूबर तक सड़क के दुरुस्तीकरण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। पड़ता है कि जैसे कोई भी गाड़ी लाता है, जैसे ट्रक भी आता है और जैसे टू व्हीलर भी आती है, तो सब लोग अपनी स्पीड में रहते हैं, कोई स्पीड नहीं करता, इससे उनकी जैसे टू व्हीलर बाइक गड्ढे में गिरती है, इससे एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस बनते हैं, तो इस वजह से DM लोग भी इन सब को देख कर अनदेखा करा जा रहा है, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक्चुअली ये तो ऐसा है, हमारे रुद्रपुर का ऐसा माहौल है, हर कहीं देखो रोड पर चलते हुए पे भी गड्ढे गड्ढे मिलेंगे आपको हर कहीं पर, चाहे खेड़ा ले लो, रुद्रपुर ले लो, कोई से भी ले लो, कोई से भी ले लो। और ये कॉलेज का हमारा ऐसा एरिया है, मेन रोड है हमारा, हाईवे है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर रोड पे कितने गड्ढे हैं, और इससे एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं हर चीज़ की। हमारे ये प्रशासन भी कोई गौर नहीं देता है, उन पर कई कार्रवाई करी गई है हमने।
टेंडर हो चुका है, पेड़ कट रहे हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय के साथ जब भी बैठता हूँ ये डिस्कस करता हूँ, एनएच के अधिकारियों से ये डिस्कस करता हूँ। फिलहाल तो जगह जगह पेड़ कट रहे हैं, इसके बाद उसका काम चालू होगा फिनिशिंग का, और निश्चित रूप से आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। आप एनएच के काम में ज्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकते, हाँ कह सकते हैं, डीएम साहब से कई बार कहा है। तो अधिकारियों का कहना था कि 10 अक्टूबर तक वो काम पूरा कर देंगे, तो 10 अक्टूबर तो निकल गई, दीपावली भी निकल गई, लेकिन अधिकारियों का जो कहना था, जो वायदा था, जो दावा था, वो तो पूरा नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों चौड़ीकरण का काम हो रहा है और गड्ढों में तब्दील हो गया। तस्वीर आपके सामने है, बदहाल तस्वीर, और हैरान कर देने वाली बात है। जिला मुख्यालय, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर यहीं पर हैं। राजीव कुमार स्थानीय निवासी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। जी राजीव जी, किस तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है, किस तरह की तस्वीर है इस राष्ट्रीय राजमार्ग की, जरा दर्शकों तक अपनी बात को रखें। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो अगर बात करी जाए, जो नैनीताल दिल्ली हाईवे है वो पूरी तरह से समय जर्जर हो चुका है। वहां से निकलने में जो पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, क्योंकि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और जबकि जो रुद्रपुर का जो कलेक्ट्रेट है, जो एसएसपी ऑफिस है, और तमाम अधिकारी जो है वो नैनीताल रोड पे तमाम मुख्यालय बना हुआ है, उसके बावजूद अधिकारियों की अनदेखी के चलते जो है स्थानीय लोगों को, सभी लोगों को जो है इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी राजीव जी, क्या आपने अधिकारियों तक इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को रखा है, और अगर रखा है तो फिर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर, क्या संज्ञान लिया गया है नहीं? देखिए बीते दिनों यहाँ के जिला अध्यक्ष से लेकर के तमाम लोगों को जो है चिट्ठी लिखी जा चुकी है, उसके बाद एक बार जिलाधिकारी से भी जो है कुछ लोग मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने महज ये बात कहकर के अपना पल्ला झाड़ दिया कि महज ऊपर की परत उखड़ी हुई है। लेकिन अगर आज आप लोगों ने इस मुहिम को चलाया तो कहीं ना कहीं आप उसमें देख सकते हैं कि कई कई फीट गहरे गड्ढे हैं, कई गाड़ियां वहां एक्सीडेंटल हो जाती हैं, सड़क के ऊपर जो रोड की बजरी आ चुकी है जिससे हादसे होते हैं, बाइक फिसल जाती है, तो इस तरह की लगातार समस्या होनी, लेकिन अधिकारियों ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। जी राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीर क्या थी ये स्थानीय लोग रख रहे हैं, अगर जिलाधिकारी सुन रहे हैं, विधायक सुन रहे हो, या कार्यदायी संस्था सुन रही हो, तो ये कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज नहीं है, ये सीधा आम जनता की आवाज आप तक हम रख रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें उन्हें हो रही है। वहीं संयुक्त मजिस्ट्रेट रोहित मीणा का क्या कुछ कहना है इस मसले पर, जरा सुनिए। संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, इस पर एनएच ने बताया कि अभी डामरीकरण बारिश की वजह से करना पॉसिबल नहीं है, तो अभी पैचवर्क का काम किया जा रहा है, जहां जहां बड़े गड्ढे हैं उन सब में पैचवर्क करवाया जा रहा है, बाकी 10 अक्टूबर के बाद में हमारा इसका डामरीकरण का प्रपोजल। शाहिद खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, तस्वीरें भी दिखा दी प्रशासन को, जो है स्थानीय लोगों ने अवगत भी कराया है, लेकिन आखिर बेसुत क्यों बना हुआ है, आपने बात करने की कोशिश की होगी, क्या कुछ कह रहा है प्रशासन? राजीव बताना चाहूंगा, हमारी लगभग 5 तारीख को बात हुई थी, तो जो एसडीएम साहब है उनका ये कहना था 10 तारीख तक ये जितने भी रोड पर गड्ढे हैं सब भर दिए जाएंगे, लेकिन आज 20 तारीख हो गई, इन रोड पे जैसे गड्ढे पहले थे और उससे ज्यादा गड्ढे हो रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गड्ढा रोड का नहीं भरा गया है। शाहिद, जो देरी हुई है, 10 तारीख का वायदा किया गया था, दीपावली भी निकल गई है, फिर आखिर देरी क्यों, ये सवाल आपने के बीच रखा होगा, क्या कुछ कहना था इस पर? राजीव बताना चाहूंगा, ये काफी लंबे समय से यहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं, यहाँ पर चाहे जिला अधिकारी हो या एसडीएम हो, सबको अवगत कराया जाता है गड्ढों को लेके, लेकिन यहाँ पर जो वादे किए जाते हैं, यहाँ पर जो एसडीएम साहब से हमारी बात की गई थी, एसडीएम साहब ने ये कहा था कि 10 तारीख तक यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो सारे भर दिए जाएंगे, उसके बाद जो रोड है रोड बनाना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन रोड बनाने के दो बात ही यहाँ पर जो गड्ढे हैं एक भी गड्ढा अब तक नहीं भरा गया है, यहाँ पता नहीं लगता है कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। शायद हैरान तो ये चीज करती है कि ये वही सड़क है जहां से हमारे नेता गुजरते हैं, यही वो सड़क है जहां से पुलिस के अधिकारी गुजरते हैं, प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं, तो क्या है उन्हें ये गड्ढे नजर नहीं आते हैं? नेताओं को तो हम समझ सकते हैं कि चुनावों के दरमियान ही नजर आते हैं, और बाकी समय उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, उन्हें लगता है कि विकास ही विकास हो रहा है जब वो विधायक बन जाते हैं। राजीव बताऊंगा, जिस तरीके से आपने कहा कि बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसी रोड पर कलेक्टर ऑफिस भी है, यहाँ से हम डीएम साहब भी निकलते हैं, यहाँ एसएसपी ऑफिस भी है, और यहाँ पर जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं सारे सुबह से शाम तक यहाँ कम से कम 5 या 6 बार निकलते होंगे, और उसके बाद जनप्रतिनिधि भी सुबह शाम तक निकलते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जैसे स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि इस और किसी का भी ध्यान नहीं होता। शायद स्थानीय विधायक का क्या कुछ कहना है, उनसे आपने बात की होगी?
राजीव बताना चाहूंगा, जब यहाँ क्षेत्र विधायक राजकुमार ठोकराल से बात की गई तो उनका यह कहना था कि अभी जो एनएच का काम चल रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटने के बाद यहाँ पर रोड बन जाएगी। जी शायद इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हो सकता है कि आपको 2022 तक का इंतजार करना हो इस सड़क के दुरुस्त होने तक। इधर रामनगर के बीचों बीच चल रहे प्राथमिक विद्यालय खताड़ी में दम तोड़ती जो है आपको बता दें कि विद्यालय नजर आता है और इस स्कूल में सालों से महज एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल जो है संचालित किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय खताड़ी की हम बात कर रहे हैं और एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहा है। दैनिक विभागीय कार्य के साथ ही विद्यालय के पठन पाठन का काम भी सब वही कर रहे हैं और इन विभागीय कार्यों से बचे समय में कितना ज्ञान वो नौनिहालों को दे पाते हो ये सोचने का विषय है। यानी रामनगर के खताड़ी में चल रहा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विभाग की पोल खोल रहा है। मोहम्मद उस्मान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उस्मान, तस्वीरें हमने देखी हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। और जो दावे करते हैं हमारे मंत्री, जो दावे करते हैं कि पढ़ेगा उत्तराखंड, बढ़ेगा उत्तराखंड, आखिर कैसे पढ़ेगा, एक शिक्षक के भरोसे बढ़ेगा? बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सरकार सबको अच्छी शिक्षा देने का लाभ दावे करते हैं, लेकिन इन दावों की बोल रामनगर में जो एक प्राथमिक विद्यालय है वहां दम तोड़ती नजर आ रही है। तो यहाँ पर सालों से एक शिक्षक करीब एक से पांच के बच्चों को लगातार पढ़ा रहा है, जिसमें पढ़ाई का भी काम है और उसके ऑफिशियल जो स्कूलों के और भी काम होते हैं वो भी करते हैं। तो आप ये लगा लीजिए कि ये खताड़ी प्राथमिक विद्यालय में 80 जो नौनिहाल है, जो अध्ययनरत है, तो ये किस तरह से उस शिक्षक को ग्रहण कर पाएंगे, कैसे इनका आगे भविष्य होगा? जी उसमें 80 नौनिहाल यहाँ पर पढ़ते हैं और सवाल ये है कि वो जो दफ्तर का काम होगा वो भी करते होंगे, ऐसे में वो नौनिहालों के लिए वक्त कैसे निकालते होंगे? अगर निकालते भी होंगे तो कितना निकाल पाते होंगे? क्या इतनी बड़ी जो संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, क्या एक शिक्षक के लिए संभव है ये चीज? आपने उनसे बात करने की कोशिश की होगी, क्या कुछ उनका कहना था? जी बिल्कुल, हमारी जो ये अध्यापक हैं जो पढ़ाते हैं, इनका ये कहना था कि ऑफिशियल काम बहुत है, जो मुझे सारे यहाँ से रजिस्ट्री डाक वगैरह देनी पड़ती है, उसमें बच्चों के को किस तरह से पढ़ाएंगे। और मैंने काफी विभाग द्वारा विभाग से कहा है कि लगातार यहाँ पर टीचरों की कमी है और यहाँ पर टीचर और दें, क्योंकि यहाँ लगभग जो एक टीचर है, इस टीचर का चार टीचर होने चाहिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए। लेकिन ये अकेले टीचर होने के बावजूद ये उनको शिक्षा भी देते हैं। जी जी जी, आप हमारे साथ बने रहे। स्कूल के जो टीचर है, जो एकमात्र टीचर वहां पर है, उन्होंने उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। पर मैं मात्र एक ही प्रधानाध्यापक हूँ यहाँ पर, और कोई सहायक नहीं है, कोई फोर्थ क्लास नहीं है, और यहाँ स्कूल खुला होने की वजह से के शराबी जुआरी रात को तो अड्डा बना देते हैं, जो हम सफे कर देते हैं, गंदगी फैलाते हैं और उससे बीमारी फैलने का डर भी आता है और बच्चों पर असर पड़ता है। कि मैं अकेला आदमी ऑफिस देखूँ या बच्चों के हिंदी गणित क्या पढ़ाऊँ, उसका स्तर बच्चों का भविष्य नीचे ही होता जा रहा है और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल की देखभाल के लिए थोड़ा सा मैं पुलिस विभाग से चाहूँगा कि वो यहाँ का देखभाल करें और उनको जो यहाँ जुआरी शराबी रहते हैं लोग उनको पकड़ें। इधर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि इस स्कूल के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो इसे पॉलिसी जो है पॉलिसी मैटर बता रहे हैं। अगर शिक्षा अधिकारियों की माने तो वो नगरीय क्षेत्र में ना तो विभाग की ओर से कोई नई नियुक्ति हो पा रही है और ना ही इन स्कूलों में कोई ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिससे कि ये स्कूल सालों से एकल विद्यालय बना हुआ है। आपको यहां बताते चलें कि ये विद्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर। ऐसे में समझा जा सकता है कि विभाग के अधिकारी और सरकार नौनिहालों के भविष्य के प्रति कितनी सजग है। यानी यहां नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या उत्तरा बढ़ेगा उत्तराखंड पढ़ेगा उत्तराखंड, ये महज नारा या जुमला से ज्यादा और कुछ भी नहीं नजर आ रहा। हमारे नगर क्षेत्र रामनगर में 9 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 4 विद्यालय एकल अध्यापक द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जो कि अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। विद्यालय द्वारा एक ही अध्यापक द्वारा विद्यालय से संबंधित सभी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, शिक्षण कार्य किया जा रहा है, मध्याह्न भोजन योजना संचालित की जा रही है, विभाग द्वारा निर्देशित प्रत्येक जो भी गतिविधियां कराई जा रही हैं वो एक सिंगल अध्यापक द्वारा कराई जा रही है, जिससे कि शिक्षण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और
सरकार द्वारा और विभाग द्वारा नगर क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई नई नियुक्ति नहीं की जा रही है, ना ही जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें हमारे नगर क्षेत्र में कोई शिक्षक दिए जाने हैं, जिससे कि लंबे समय से हमारे ये नगर क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वो सिंगल संचालित हो रहे हैं, और इससे बच्चों का भविष्य तो है ही अंधकार में, क्योंकि एक टीचर सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम नहीं है, और उसमें हो सके तो जैसे छात्र संख्या के अनुपात में जो भी शिक्षक। ये हैरान कर देने वाला बयान है, ये अधिकारी थी, शिक्षा अधिकारी की आप जो है बयान सुन रहे थे, जो कि रोना रो रहे हैं। अध्यापक परेशान है, अध्यापक जाते हैं शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन खुद जो है शिक्षा अधिकारी हैं वो रोना रोने रो रहे हैं कि उनके पास जो है पर्याप्त साधन नहीं है। सब जानते हैं, हकीकत सबके सामने है कि मैं एक शिक्षक पढ़ा रहा है, वही व्यक्ति वहां पर झाड़ू पोछा भी लगा रहा है, वही व्यक्ति वहां पर ऑफिस का काम कर रहा है, वही व्यक्ति नौनिहालों को पढ़ा रहा, कितना पढ़ा पा रहे हैं, ये सवालों के घेरे में। और ये वो जो दावे करते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री दावे करते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री दावे करते हैं कि हम उत्तराखंड को पढ़ाने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, शिक्षकों की कोई कमी नहीं होने देंगे, शिक्षकों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कहां पहुंच रहे हैं शिक्षक? क्या आपके गांव में पहुंच रहे हैं शिक्षक? ये बड़ा सवाल अपने आप में अब खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहां पर एक अधिकारी भी कैसा नजर आ रहा है कि एकल स्कूल, करीब इस शहर के अंदर ऐसे 3 स्कूल है जहां पर एक ही टीचर इन बच्चों को, नौनिहालों को पढ़ा रहा है, और इन नौनिहालों को पढ़ाने में वो कितना प्रयत्न कर रहा होगा, उसके बावजूद भी उनका भविष्य कहां जा रहा है, तो ये कहना आसान नहीं होगा कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर दिखाई देती है, लेकिन ये उस गंभीरता की पोल खोलते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ शिक्षा बच्चे ग्रहण कर पा रहे हैं, और किस तरह से यहाँ पर जो स्कूल का क्षेत्र है, यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में जो ये और भी कमरे हैं वहाँ पर शराबी जुआरी अन्य लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो जिसका असर कहीं ना कहीं इन नौनिहालों पर पड़ता है। इसके अलावा जो 100 मीटर की दूरी पर ये खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, और महज 100 मीटर होने के बाद दूरी पर होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पा रहा है। इनका कहना यही है, हम उच्च अधिकारियों को इसके बारे में लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नियुक्ति यहाँ नहीं हो पा रही। इसके अलावा यहाँ से किसी भी इस टीचर का ट्रांसफर कहीं और भी नहीं हो पा रहा, तो ये बड़ी विडंबना है कि उत्तराखंड सरकार इस तरह से नौनिहालों के भविष्य से खेल रही है। जी उस्मानी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो वाकई कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आप अपने बच्चों को शराबी जुबारी बनाएं, नहीं तो पलायन करें, यही उनके पास एकमात्र रास्ता है। अगर उत्तराखंड में रहना है तो इसी तरह की शिक्षा व्यवस्था से जूझना पड़ेगा, इसी तरह स्कूलों में पढ़ना पड़ेगा, और अगर यहां नहीं रहना है तो एकमात्र ऑप्शन पलायन करें। बढ़ते आगे, बात करते हैं चार धामों की, जिनके कपाट बंद होने का सिलसिला आज से शुरू हो गया, और आज अन्नकूट के पावन पर्व पर इस मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं, और इसके लिए जो है सुबह 11:40 का मुहूर्त तय किया गया था, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में माँ गंगा की डोली अपने मायके मुखबा के लिए रवाना, आपको बता दें कि हुई, और भैया दूज के पावन मौके पर मुखबा कल जो है ये डोली पहुंचेगी। तो कपाट बंद हो चुके हैं गंगोत्री धाम के, क्या कुछ महत्व है इस धाम का कि हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा अमृत, यमुनोत्री धाम के बाद चारधाम यात्रा का दूसरा पड़ाव है गंगोत्री धाम। समुद्र तल से तकरीबन 3,140 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है। गंगा जिसे मोक्षदायिनी पापहारिणी कहा जाता है, कहते हैं गंगा की पवित्र जलधारा में डुबकी लगाने भर से ही 7 पीढ़ियों के पाप धुल जाते हैं। गंगा को धरती पर लाने वाले राजा भागीरथी थे, इसलिए गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। युगों युगों की कथा सुनाए
झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अक्षय तृतीया पर ही गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसीलिए हर साल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ही गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए जाते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में गोरखा कैप्टन अमर सिंह थापा ने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार जयपुर के राजा माधव सिंह ने किया, इसलिए मंदिर के निर्माण में राजस्थानी शैली की झलक दिख जाती है। आध्यात्मिक रूप से महत्व रखने के कारण ही सदियों से ऋषि मुनि और साधु तपस्या करने यहाँ आते रहे हैं। कहते हैं राजा भागीरथ ने यहीं पर गंगा को धरती पर लाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। गंगोत्री मंदिर के नीचे भागीरथी शिला है जहां राजा भागीरथ की प्रतिमा गंगा की ओर हाथ जोड़े हुए है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में गंगोत्री में कोई मंदिर ही नहीं था, बल्कि भागीरथी नदी के निकट ही देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी और उन्हीं की पूजा का भी विधान था। सर्दियों में इन मूर्तियों को पास के गाँव में मंदिरों में स्थापित किया जाता था और ये परंपरा आज भी है। आज भी शीतकाल प्रवास के दौरान गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद कर माँ की उत्सव डोली माँ की माई के मुखबा में स्थापित होती है और ग्रीष्मकाल के दौरान कपाट दर्शनों के लिए खोल दिए जाते हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर श्रद्धालु महज इसीलिए गंगोत्री आते हैं ताकि पतित पावनी माँ गंगा के निर्मल जल से अपने अंतर मन को शुद्ध कर सके। गंगा का जल मोक्षदायिनी होता है, इसीलिए तीर्थ यात्रा पर आए श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक कर्मकांड भी करते हैं ताकि उनके पितरों और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। दूर हिमालय से तो आए गीत। पूजा चौधरी, उत्तराखंड डेस्क, जयंतीरी। वहीं कल भैया दूज के पावन मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होने, लिहाजा वहां भी श्रद्धालु पहुंचकर मां यमुनोत्री के दर्शन कराएं। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की डोली उनके मायके यानी कि खरसाली पहुंचेगी। यहां पर अगले 6 महीने मां यमुना उपवास करेंगी और अगले 6 महीने खरसाली में ही मां यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी। केदारनाथ के धाम के कपाट कल तय मुहूर्त पर ही बंद कर दिए जाएंगे और भगवान केदारनाथ के कपाट 21 अक्टूबर यानी कि कल सुबह 8 बजे वृषभ लग्न में शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली धाम से रवाना होकर अलग अलग यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए 23 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान होगी। तो उत्तराखंड लाइव में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जैन टीवी के साथ।